प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय स्मार्ट क्लासेस में। आज हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल सेट जारी किया गया है, इसका हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। तो सब्जेक्ट जो है हम लोग का है पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है खंड अ। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। कह रहे कि भारत में इकहरी नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है। तो जो ये ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है, ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन का प्रावधान करता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद जो है 324, अनुच्छेद 324 जो है ये प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, राष्ट्रपति। नंबर सी इज राइट आंसर, राष्ट्रपति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर जो है डी इज राइट आंसर, 11, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने राज्यों में दिशदयानात्मक व्यवस्थापिका है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6। नंबर सी इज राइट आंसर, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के परिपक्ष में हुआ। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, आप। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पहली महिला राज्यपाल कौन थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसके जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का। कहाँ का, तो भारत का। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, भारत का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। जो भारत के प्रधानमंत्री उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर जी इसका हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा 74 संशोधन, 74 संशोधन। हम इस क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? इसके जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके चार्ट में 111 अनुच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है चंद्रशेखर, बी में दिया है पीबी सिंह, सी में दिया आई के गुजराल और डी में दिया राजीव गांधी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर, पीबी सिंह। थोड़ा फास्ट हम लोग करते हैं, अब काफी समय लग जाएगा ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि संविधान का 103वां संशोधन प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? इसका जो ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? जो अकाली दल है वो पंजाब के क्षेत्रीय पार्टी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, नंबर ए इज राइट आंसर, नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि विकास के साथ सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, पंचवर्षीय, सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री ने तशांकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर जी हो जाएगा डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, गुट निरपेक्षता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? जो भारत पाकिस्तान उसके बीच जो शिमला समझौता हुआ था वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1972 में। कब हुआ था? तो 1972 में, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम कह रहा है कि विश्व मानचित्र पर इजराइल एक देश के रूप में कब आया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1948 में। कब आया था? तो 1948 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि G77 में शामिल है, G77 जो है ये किस में शामिल है? तो ये जो है ये विकासशील देश के लिए शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जाएगा, विकासशील देश के, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि बंडोलैंड की मांग भारत के किस राज्य से संबंधित है? इसके जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए इज राइट आंसर, असम, ए इज राइट आंसर हो जाएगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? तो भारत में जब पहला नगर निगम स्थापित किया गया था वो किया था 1687 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 1687 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वो थे ऑप्शन और सरदार पटेल थे। कौन थे? सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में
त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में। कहाँ पे है तो राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो जो राज्यसभा होता है उसका सभापति होता है उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा है। तो जो संविधान का जो अनुच्छेद है वो कौन सा अनुच्छेद है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद पांच, अनुच्छेद जो है पांच, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्य होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है। राज्यसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कितना 30 वर्ष। कितना होता है बाबू, 30 वर्ष होता है, 30 वर्ष होना चाहिए राज्यसभा का नागरिकता प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है कि निम्न में से किस संसद को संबोधित करने का अधिकार है। निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, मुख्य न्यायाधीश को। किसको, तो मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है कि अनुच्छेद 371 ए किस राज्य से संबंधित है। ये जो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, नागालैंड से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है कि किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। मतलब किसकी सलाह पर विधानसभा को समाप्त किया जा सकता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विधानसभा की सलाह पर। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, विधानसभा की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कह रहा है कि एक कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री की कार्य अवधि सबसे कम रही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चरण सिंह के राज्यकाल में। किसके, चरण सिंह के कार्यकाल में, नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है कि धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल धन जो विधेयक होते हैं वो प्रस्तुत किया जा सकता है किसके उपलक्ष्य में, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा के, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संस्था के पास संविधान की व्यवस्था करने का अधिकार है, कि इस संस्था के पास संविधान की व्यवस्था करने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए दिया है संसद, बी में दिया राष्ट्रपति, और सी में दिया है अटॉर्नी जनरल, और दिया डी में सर्वोच्च न्यायालय। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज शामिल है, पंचायती राज शामिल है, कहाँ शामिल है, ऑप्शन नंबर बीज राइट आंसर, राज्य सूची में। कहाँ पे है तो राज्य सूची में, ऑप्शन बीज राइट आंसर, राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोका जा सकती है, मतलब राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है। सीधे राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 14 दिन तक, कितने दिन तक, 14 दिन तक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 14 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी समिति राजनीतिक अपराधिकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बोहरा समिति, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बोहरा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है। जो जो चुनाव के लिए आचार संहिता जारी किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चुनाव आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, चुनाव आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि भारत की संसद में शामिल है, भारत की संसद में क्या शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और
राष्ट्रपति, ये तीनों शामिल होते हैं भारत के संसद में। तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हम इस क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है कि राज्य सरकार का कानून सलाहकार होता है, जो राज्य सरकार का कानून होता है उसका सलाहकार कौन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, अटॉर्नी जनरल। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये कह रहा है शून्यकाल संबंधित है, जो शून्यकाल एक से संबंधित है, इसके जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संसद से। किससे? तो संसद से, ए इज राइट आंसर हो जाएगा, संसद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, मतलब किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 42वां संशोधन। तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ए इज राइट आंसर, 42वां संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है कि एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं, जो एक वर्ष होता है उसके संसद में कितने सत्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, 3 सत्र। कितने? तो 3 सत्र, सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मद्रास उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मद्रास उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। कौन है? तो आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी राष्ट्रपति मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 1993 में। कब हुआ था? तो 1993 में हुआ था, याद से रखना है, 1993 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखते हैं हम लोग, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन होगा, कि भारत में मतदान की आयु है कितने? तो न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। कितना हो चाहिए? तो न्यूनतम 18 वर्ष। तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 18 वर्ष। इसके साथ अपने वीडियो का कमेंट करते हैं, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।